नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आगे सूचना प्राप्त करने से पहले एक निवेदन है, इंडिया वेब 24 को सब्सक्राइब करें, सदस्य बने। यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब हर राज्य में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करने की समान प्रक्रिया होगी। पहले हर राज्य आईडीपी जारी करने के लिए अपना अपना प्रक्रिया अपनाते थे, जिनमें डीएल का स्ट्रक्चर, कलर आदि शामिल थे। लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन 1949 जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप एक समान बनाया गया है के अनुरूप देश भर में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को एक समान बनाया है। सोमवार को एक अधिसूचना में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया। अब पूरे देश में आईडीपी का प्रारूप, आकार, रंग आदि एक समान होगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में मान्य है और इसके 8 उपलब्ध भाषाओं में ट्रांसलेटेड हैं। इससे अब भारतीय नागरिकों को दूसरे देशों में कोई परेशानी नहीं होगी। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक आईडी के रूप में काम करता है, विदेशों में गाड़ी चलाने की अनुमति देता है, विदेश में क्षति के मामले में बीमा सहायता मिलती है। तो ये जानकारी कैसी रही, कमेंट करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। इसी के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।